गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन एक्सरसाइज 2.1 करवाया था, आज जो एक्सरसाइज है 2.2। तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, RHS ले लिया इसका, RHS। तो आर एच एस इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अपन ने ले लिया x इक्वल्स टू साइन थीटा, x इक्वल्स टू क्या ले लिया, साइन थीटा। देन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो ये अपने को दे रखा है इसमें x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा पुट अप करेंगे। तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, ये आ गया अपना 3 थीटा। तो देखो स्टार्टिंग में अपन ने किया था थीटा इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये अपना है एल एच एस। तो क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/2 to 1। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें भी अपन ने क्या किया, RHS ले लिया, RHS। RHS क्या है अपने पास, RHS है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो अपन ने लेट x इक्वल्स टू क्या ले लिया, x इक्वल्स टू ले लिया अपन ने cos थीटा। तो देन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू cos थीटा अपन इसमें पुट अप करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा cos इनवर्स 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अपन इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपन इसमें रख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा। ठीक है, cos से cos गया, ये क्या आ गया, ये आ गया 3 थीटा। अब देखो थीटा इक्वल्स टू क्या है, थीटा इक्वल्स टू है cos इनवर्स x, तो पुट अप कर दिया 3 cos इनवर्स x। ये क्या आ गया, ये अपना क्या है, LHS है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS आ गया। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10 inverse 2 upon 11 plus 10 inverse 7 upon 24 equals to 10 inverse 1/2। तो अपन इसमें LHS लेते हैं, LHS। LHS क्या दिया है अपने को, LHS दिया है 10 inverse 2 by 11 plus 10 inverse 7 by 24। ठीक है, 10 inverse, ठीक है 10 inverse दे दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपने पास देखो क्या है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है 10 inverse x plus 10 inverse y equals to 10 inverse x plus y upon 1 minus xy upon 1 minus xy, where
एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन वन। ये अपने पास फॉर्मूला दे रखा है, तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास आएगा देखो x की वैल्यू क्या है 2/11, y की वैल्यू क्या है 7/24। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो देखो इसमें अपन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया अपने पास, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया अपने पास 264। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, तो 1124 तो ये आएगा 48 प्लस 77। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा यही आएगा, देखो क्या आएगा 264 माइनस 14 अपॉन 264। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ये tan इनवर्स, तो देखो इसका सम करो ये कितना आएगा 5 और 12। ठीक है, अपॉन 264 इंटू 264 अपॉन कितना आएगा, देखो 4 में से 4 0, 6 में से 1 5 और 2। अब देखो नेक्स्ट आगे 264 से 264 गया, 125 बन जा, 125 2 जा, तो क्या आ गया, ये आ गया अपना tan इनवर्स 1 अपॉन 2। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास RHS। तो क्या आ गया अपने पास LHS इक्वल्स टू क्या आ गया RHS। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू क्या करना है, tan इनवर्स 31 अपॉन 17। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2, तो 2 tan इनवर्स देखो अब अपने को पता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, जहां पे जो है x होता है ग्रेटर देन माइनस 1 और लेस देन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 एलसीएम लिया 4 माइनस 1 3, यानी ये आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो अपन ने सोल्व कर लिया 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 अपॉन 3। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, इसको रिप्लेस करके मैंने लिख दिया tan इनवर्स 4/3 प्लस क्या है tan इनवर्स 1 अपॉन 7। ठीक है, तो आप देखो अब अपन ये क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पे जो है एक्स वाई की वैल्यू होती है लेस देन 1। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा tan इनवर्स x प्लस y, x क्या है 4 अपॉन 3, y क्या है 1 अपॉन 7 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 7। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं क्या आएगा tan इनवर्स, देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 21 एलसीएम आ गया, 3 7 जा 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा यानी 3 अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21, तो देखो 21 से 21 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स, ये कितना आ गया 31, 31 अपॉन ये कितना आया 17, तो क्या आ गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17। ये क्या है अपने पास, ये है अपना RHS, तो देखो क्या आ गया, ये आ गया LHS इक्वल्स टू क्या आ गया
RHS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो क्या आएगा। अपन ने सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि x को क्या लें कि अपना 10 बने, ठीक है। तो अपने को पता है कि, देखो क्या पता है अपने को, कि बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब अपन ने ले लिया कि लेट x इक्वल टू क्या ले लिया, टेन थीटा ले लिया, क्या ले लिया, x इक्वल टू टेन थीटा। अब अपन पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, ये आएगा टेन इनवर्स रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, टेन इनवर्स, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अब रूट है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा जो होता है रूट से इसकी जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो स्क्वायर कैंसिल होगी तो क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा sec थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब अपन इसको क्या करते हैं, देखो आगे सोल्व करते हैं, tan इनवर्स ये क्या आएगा, वन अपॉन cos थीटा माइनस का वन अपॉन टेन थीटा को भी चेंज कर दिया अपन ने, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये कोस से जो है ये कोस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कोस जो है कैंसिल हो जाएगा, ये अपना बच गया। तो देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स वन माइनस, अब देखो वन को अपने को कैंसिल करना है, तो बिकॉज अपने को पता है कोस टू थीटा इक्वल्स टू, अब वन कैंसिल करना है, यानी वन माइनस का, वन माइनस का किस में होता है, वन जो है वन माइनस टू साइन, अब देखो कोस थीटा है, कोस थीटा है तो कोस थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन थीटा अपॉन टू, अब नीचे साइन थीटा है इसको भी अपन क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा बाई टू डॉट कोस थीटा बाई टू, ये दोनों फॉर्मूले जो है इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस, ठीक है, वन माइनस तो माइनस का वन और प्लस का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा टू साइन थीटा बाई टू डॉट कोस थीटा बाई टू। तो देखो वन से वन कैंसिल हो गया, टू से टू हो गया, एक साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू। तो देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। तो देखो टेन से टेन गया, ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया थीटा बाई टू। अब अपना थीटा क्या है, तो यहां से अपन निकालेंगे थीटा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास क्या आ गया, वन अपॉन टू, थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये क्या है, ये अपना आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स जो है एक्स की रेंज है माइनस पाई बाय फोर टू थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसको, इसको अपन ने किया टेन इनवर्स, मैंने क्या किया इसमें से कोस को कॉमन ले लिया, तो कोस को कॉमन ले लिया, कोस को कॉमन लिया तो कोस एक्स, तो ऊपर क्या बच गया, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, नीचे वाले में भी कोस एक्स कॉमन ले लिया, तो इसमें भी क्या बच गया, वन प्लस
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये आ गया। कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ये बच गया अपने पास टेन इनवर्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्या होता है टेन एक्स होता है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये होता है अपना टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, क्या होता है टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो टेन से टेन इनवर्स से टेन गया, तो क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये अपना आंसर आ गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन क्या है एक्स को इस टाइप से लेंगे कि ये पूरा जो है टेन की फॉर्म में आ जाए अपने पास, ठीक है। तो अपन ने ले लिया लेट एक्स इक्वल्स टू क्या ले लिया ए टेन थीटा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा इसमें पुट अप करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा टेन इनवर्स थ्री, क्या आया ये आएगा अपने पास थ्री ए स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब टेन की क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अपन ने क्या किया इसमें एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं क्या आएगा टेन इनवर्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर डॉट ए ए क्यूब, ये भी क्या ए क्यूब है, नीचे देखो ए क्यूब ए डॉट ए स्क्वायर ए क्यूब, यानी ए क्यूब अपन ने कॉमन ले लिया ऊपर वाले में से भी और नीचे वाले में से, दोनों में ए क्यूब कॉमन आ गया, तो ऊपर क्या बच गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए क्यूब से ए क्यूब गया बिकॉज क्या होता है टेन टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन थ्री थीटा। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये अपना बन रहा है टेन थ्री थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब अपन आगे सोल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा देखो ये आ गया अपना टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, तो देखो टेन से टेन गया, क्या आएगा ये आ जाएगा थ्री थीटा। अब देखो थीटा क्या लिया था अपन ने, थीटा आया था टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन इनवर्स टू कोस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो अपन ने ले लिया लेट, क्या किया अपन ने साइन इनवर्स वन बाई टू जो है इसको ले लिया एक्स ले लिया अपन ने, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास आ गया साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू। अपने को क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू साइन, अब साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन वन बाई टू होती है साइन थर्टी, साइन थर्टी का मतलब हो गया पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब देखो जो रेंज होती है इसकी, प्रिंसिपल रेंज जो होती है वो रेंज क्या होती है, वो रेंज होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, साइन की ये रेंज होती है, ठीक है। तो अपने पास जो आया है वो क्या आया है पाई बाई सिक्स,
पाई बाई सिक्स जो है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू की रेंज में लाई करेगा, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई सिक्स आ गई। कितना आ गया, पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो अपने पास एक्स इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई सिक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया अपना, पाई बाई सिक्स आ गया। तो अपने पास क्या था, अपने पास था साइन इनवर्स वन अपॉन टू इक्वल टू एक्स था, तो ये कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। तो इसकी वैल्यू अपन क्वेश्चन में पुट अप करते हैं, तो क्या आएगा, अपने पास आएगा साइन इनवर्स टू कोस, ये क्या आएगा, सॉरी पाई बाई सिक्स है, कितना है, पाई बाई सिक्स। तो टू कोस टू साइन इनवर्स वन बाई टू कितना आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। कितना आ गया, पाई बाई सिक्स। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू कोस, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री। कितना आ गया, पाई बाई थ्री, ठीक है। अब कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है वन अपॉन टू, कितना होता है, वन अपॉन टू। तो टेन इनवर्स टू इंटू कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू मैंने क्या बताई है, वन अपॉन टू, ठीक है। तो वन अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स वन आ गया। कितना आ गया, टेन इनवर्स वन आ गया अपने पास, ठीक अपना आ गया टेन इनवर्स वन आ गया, ठीक है। तो अपन ने ले लिया लेट टेन इनवर्स वन इक्वल टू क्या ले लिया अपन ने, वाई ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, टेन वाई इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। टेन वाई तो क्या लिख सकते हैं, टेन वाई इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, कितना आएगा, टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब देखो जो टेन है, टेन इनवर्स जो है, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई बाई टू माइनस का टू पाई बाई टू, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो देखो पाई बाई फोर इसमें लाई कर रहे हैं, ठीक है, पाई बाई फोर लाई कर रहे हैं, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, वाई इक्वल टू आ गया पाई बाई फोर। तो क्या लिया था अपने, टेन इनवर्स वन इक्वल टू क्या लिया था, वाई। तो अपने पास क्या आ गया, टेन इनवर्स वन इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई फोर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, पाई बाई फोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले जो भी बुक के स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए हैं वो सारे इजी फॉर्मूले हैं, वो सारे याद कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो बहुत इजी से कर पाओगे तुम लोग। तो देखो अपने पास क्या है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा है कि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है ये, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अपने पास है कोट, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए आ जाएगा पाई बाई टू। अब देखो क्या होता है, कोट पाई बाई टू कितना होता है, कोट पाई बाई टू कितना होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई अपने पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में आता है ट्वेल्थ क्लास बोर्ड के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो सोल्व करते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने लिया लेट x इक्वल टू ले लिया tan थीटा। अब tan थीटा क्यों लिया है वो मैं बाद में बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और साथ में तो क्या आ गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब साथ में ही मैंने ले लिया, क्या लिया, y इक्वल टू मैंने ले लिया tan phi, जहां पे phi इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y। अपन कंटिन्यू दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आया, अपने पास क्वेश्चन बन गया टेन वन बाई टू साइन इनवर्स। अब देखो अपन ने लिया एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव,
ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि साइन टू थीटा, बिकॉज साइन टू थीटा किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो है कोस टू थीटा जो टेन की फॉर्म में होता है वो टू फाई, अपने फाई लिया है तो अपन इसको फाई लिखेंगे, कोस टू फाई इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा टेन वन अपॉन टू साइन इनवर्स। अब ये क्या बन गया, ये बन गया साइन टू थीटा, क्या बन गया साइन टू थीटा, ठीक है। फिर प्लस कोस इनवर्स, ये क्या बन गया कोस टू थीटा बन गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखो टेन वन अपॉन टू साइन इनवर्स साइन, ये क्या आ जाएगा टू थीटा, देखो ये फाई है सॉरी, ये क्या बन जाएगा कोस टू फाई, ठीक है। तो टू थीटा प्लस टू फाई आ जाएगा, ये टू थीटा प्लस टू फाई क्या आ गया टेन वन अपॉन टू टू थीटा प्लस टू फाई, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं अपन, अपन ने टू कॉमन लिया, टू से टू कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया टेन थीटा प्लस फाई, क्या बच गया टेन थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू निकाली थी टेन इनवर्स एक्स, तो क्या आ गया टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई क्या था टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। तो देखो बिकॉज क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अपन इसको पुट अप करते हैं फॉर्मूले को, तो क्या आएगा टेन, अब देखो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स से टेन गया तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखो सोल्व करते हैं अपन इसको। तो देखो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू पाई बाय फोर, अगर ये है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो चूंकि अपने को पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा tan इनवर्स, देखो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में क्या रखेंगे x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, x प्लस वाई x प्लस वन अपॉन x प्लस टू अपॉन अपॉन क्या आएगा वन माइनस x माइनस वन x माइनस टू इंटू x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, ये आ गया अपने पास जो है, इसको सोल्व किया तब ये आया, इक्वल्स टू क्या है पाई बाई फोर दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, देखो ये अपने पास आ गया ए, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है, इसको सोल्व करते हैं आगे, टेन इनवर्स इसका एलसीएम क्या आ गया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, क्या आ गया अपने पास, ये आ गया एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ठीक है। x माइनस टू है तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वन और x प्लस टू, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस आएगा x प्लस टू है तो ये बनेगा x प्लस वन x माइनस टू, ठीक है, ये आ गया अपने पास। नीचे जो है अपन इसमें भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये x माइनस टू x प्लस टू, तो x माइनस टू x प्लस टू, ठीक है, माइनस x माइनस वन और x प्लस वन, इसका भी एलसीएम कितना आएगा x माइनस टू और x प्लस
टू, ठीक है। तो देखो x माइनस टू से x माइनस टू गया, x प्लस टू से x प्लस टू गया, आगे सोल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा, देखो ये इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वल्स टू है पाई बाई फोर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। अब अपन जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू, फिर अपन इससे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस का टू, ठीक है। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, नीचे क्या आया अपना, नीचे आ गया ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का फोर, ठीक है। फिर ये माइनस है, माइनस है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स यानी माइनस है, माइनस का एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स यानी ये प्लस का एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन यानी ये क्या आ जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपना, सोल्व किया इक्वल्स टू पाई बाई फोर। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, ये क्या आएगा टेन इनवर्स, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन देखो टू एक्स प्लस का, टू एक्स माइनस का, एक्स माइनस का, एक्स प्लस का, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर कितना आ गया, माइनस का फोर अपोन, तो देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस एक्स से ये हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस फोर प्लस वन, माइनस का क्या आ गया, थ्री आ गया, नीचे क्या आ गया, माइनस का थ्री इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई फोर, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, टेन, ठीक है, टेन इनवर्स इसको लिख सकता हूं मैं, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर, दोनों साइड अपन ने टेन ले लिया, ठीक है। तो देखो इस टेन से तो ये टेन गया, ठीक है, तो क्या आया, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर, कितना होता है, टेन पाई बाय फोर होता है वन, तो वन ले लिया अपन ने, तो ये क्या आएगा, फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। ये क्या आ गया, फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वन अपॉन रूट टू प्लस माइनस, तो ये अपना क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस है, ठीक है, तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ साइन साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है अपने को, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, अपने पास दे रखा है साइन साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या दे दिया, वन दे दिया, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो साइन साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स, देखो साइन में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है कि अपना साइन वन आ जाए, थीटा होता है पाई बाई टू, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन, ये भी लिख सकते हैं अपन, अगर अपन इसको ऐसे भी लिखना चाहे, देखो इसको और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्या अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन, देखो ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको ये भी सोल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन कितना होता है, साइन इनवर्स वन होता है पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो चूंकि अपने को पता है बिकॉज साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू होता है पाई बाई टू, ठीक है,
इसका मतलब साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आ गया 1/5, ये आंसर आ गया अपने पास। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है अपना, एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड है, उसमें अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो अपने को पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्व टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्व टू क्या लिखेंगे, 2π/3, ठीक है। लेकिन अपने को पता है जो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी होती है, उसकी जो होती है वो होती है कितना होता है, -π/2 π/2, ये रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। तो देखो 2π/3 जो है इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, यानी 2π/3 नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2। तो क्या करेंगे अपन, तो अपन इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3π-2π π/3, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये किसके बराबर होगा, ये π/3, क्योंकि π/3 जो है वो बिलोंग करेगी -π/2 to π/2 रेंज में, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स टेन 3π/4। तो देखो अपने को पता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो अपन क्या है इसको लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स टेन 3π/4 इक्वल्स टू क्या, 3π/4, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 to π/2, ये होती है। तो 3π/4 जो है नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस का 10π-3π/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा टेन इनवर्स माइनस का 10 कितना आएगा, π-3π/4, देखो सॉरी इसको ये लिख सकते हैं अपन π-3π/4, π-3π/4 आ गया माइनस 4π-3π, आ गया π/4, कितना आ गया π/4 आ गया, ठीक है, कितना आ गया π/4। अब देखो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स, देखो टेन टेन में ये लिख सकते हैं टेन -π/4, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का π/4। तो देखो -π/4 जो है इस प्रिंसिपल रेंज में लाई करेगा, तो आंसर क्या आएगा, -π/4। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का 18 का क्वेश्चन, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो अपन ने ले लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ले लिया अपन ने एक्स ले लिया, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स इक्वल टू होता है रूट 1-sin²x। अब देखो ये कहां से आया, क्योंकि अपने पास होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्व टू क्या होता है 1, तो यहां से अपन ले लिया कोस एक्स इक्व टू क्या आ जाएगा 1-sin²x। तो यहां पे आ गया कोस एक्स इक्व टू रूट 1-3 का स्क्वायर 9/25,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16 अपॉन 25, यानी ये आ गया 4 अपॉन 5। कितना आ गया, 4 अपॉन 5 आ गया कोस एक्स। ठीक है, अब अपने को पता है सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 4। ऐसा क्यों किया अपन ने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि साइन को अपन 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो, चूंकि अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी यहां से अपन लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से अपन 10x फाइंड आउट करेंगे, तो 10x फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, आएगा 10x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स यानी 25 अपॉन 16 माइनस का 1, यानी क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन 16 यानी 9 अपॉन 16। कितना आएगा, ये स्क्वायर है 9 अपॉन 16 यानी 10x इक्वल्स टू आ गया 3/4। कितना आ गया, 3/4 आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से अपने पास x इक्वल्स टू आ गया 10 inverse 3/4। तो यहां से x कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/5, 10 की फॉर्म में कितना आ जाएगा, 10 inverse 3/4। इसी टाइप से अपने पास कोट इनवर्स 3/2 जो है, क्या है, कोट इनवर्स 3/2, इसको अपन लिख सकते हैं 10 inverse 2/3, क्योंकि कोट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या बन गया, अपने पास क्वेश्चन बन गया 10 inverse 3/4 प्लस 10 inverse 2/3। ठीक है, चूंकि अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है 10 inverse x प्लस 10 inverse y इक्वल्स टू होता है 10 inverse x प्लस y अपॉन 1 minus xy। ठीक है, तो अपन इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, 10 inverse क्या आएगा, देखो x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 minus 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 inverse क्या आया, देखो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 2 आ गया, 4 3 जाए यानी 9 प्लस 3 4 जाए यानी 8 अपॉन क्या आया, 12 माइनस का 6 अपॉन 12। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ गया 10, कितना आ गया 10, 10 इनवर्स 17 अपॉन 6, कितना आ गया 17 अपॉन 6, 10 10 इनवर्स ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अपने पास 17 अपॉन 6, ये अपना आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 से साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो अपन ने ले लिया लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/2। अपन लिख सकते हैं इसको साइन एक्स इक्वल्स टू, देखो साइन साइन जो है 1/2 क्या होता है, साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 माइनस है, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब जो है जो इसकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो जो है पाई बाय 6 जो है बिलोंग्स टू करेगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास जो है साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना आ गया, ये आ गया माइनस पाई बाय 6 आ गया। ठीक है, आ गया, अब अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा साइन, ठीक है,
अपन ने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6, 2 पाई प्लस पाई, क्या लिखेंगे इसको, साइन 3 पाई बाय 6, यानी साइन कितना आएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने हैं, तो सॉल्यूशन देखो, अपन ने ले लिया लेट टेन इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू ले लिया एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया टेन एक्स इक्वल्स टू आ गया रूट 3, ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं टेन एक्स इक्वल्स टू, टेन में रूट 3 कितना होता है 1060 डिग्री, यानी पाई बाई 3, पाई बाई 3 तो लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, क्योंकि इसकी जो है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है इसकी वो कितनी होती है 10 की, 10 इनवर्स की, वो 10 इनवर्स की होती है, देखो पाई बाई 3 बिलोंग्स टू, वो होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो ये इसमें लाई कर रही है, लाई कर रही है, तो इसकी क्या आ गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई पाई बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन आगे सोल्व करेंगे, अपन ने ले लिया कोट इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या ले लिया वाई ले लिया अपन ने, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा कोट वाई इक्वल टू माइनस रूट 3, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कोट वाई इक्वल टू कोट, देखो कोट कोट रूट 3, रूट 3 कोट की वैल्यू कितना की कितनी होती है, रूट 3 जो होती है वो होता है कोट में 30 डिग्री, कोट जो होता है 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, तो इसको लिखेंगे माइनस का पाई बाई 6, ठीक है। अब जो कोट इनवर्स जो होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखो माइनस पाई बाई 6 तो ये आ गया, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 to π, तो ये जो है 0 to π में बिलोंग नहीं कर रहा, इसको नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोट वाई इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये क्या आ गया कोट वाई इक्वल टू कोट 5π/6, तो 5π/6 देखो 6π-π 5π/6 जो है इस रेंज में जो है लाई करेगा, लाई करेगा, तो इसकी इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया 5π/6 आ गया, ठीक है 5π/6 आ गया अपना 5π/6 आ गया। अब अपन इन दोनों की वैल्यू जो है पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, देखो टेन इनवर्स रूट 3 कितना आ गया पाई बाई 3 माइनस ये कितना आया 5π/6, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने एलसीएम ले लिया 6, 3 × 2 = 6 2π माइनस 5π कितना आएगा माइनस का 3π/6 माइनस 3π/6 को क्या लिख सकते हैं माइनस π/2, ये क्या आ गया आंसर आ गया, ओके।